आज की मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई है। उठते ही कार्तिक मामू की गोदी में। माय गुडनेस, हु इज बैक एंड हाउ इज शी लुकिंग सो प्रिटी। हाय, आई एम वेरी गुड। चलो चलो, जो लोग बैठे हैं ना, बैठो बैठो, मैं यहाँ बैठी हूँ ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बेल फ्रॉम द स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट। आई एम हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट एंड डू नॉट गेट स्केयर्ड फ्रॉम द चैलेंजेस पीपल थ्रो एट मी। हाउएवर, when I saw the beast, I was a little scared, but soon I forgot his appearance and became his friend. When I did that, I fell in love with him. When I shared my feelings with him, his spell broke and he became my charming prince. Thank you. Wow! Very good, Ritzy. जा रही है टीचर की दादी हाउस नाउ। ऑटो? ऑटो में, यस ऑटो। यू लाइक ऑटो? या आ चुका है मम्मा का अवार्ड यूट्यूब वाला। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका ये रिवॉर्ड है। तो आज मम्मा के किचन में क्या है ये सबसे पहले ये दिखाओ। हाँ, मार्टी ने भेजा है, बना के भेजा है। मम्मा की बेस्ट फ्रेंड, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनके घर गए थे। अच्छा, जो लड्डू थे ना, हाँ, वो उमांती ने ही बनाए थे। अच्छा, मैंने बनाए थे, मैंने कभी हेल्प करी थी। अरे वाह, तो वो एक्सपर्ट है। खा गया वो तो, मैंने उसे अभी बचा के रखे हुए फ्रिज के ऊपर छुपा के कि वहां जाके ही खाए। और ये है मम्मा स्पेशलिटी एग करी। कलर आप देख सकते हो कितना सुंदर है। मैं अब दोनों चीजें खाने वाली हूँ। मैं ऐसे जैसे ऊँट खा के ऐसे स्टोर कर लेते ना, स्वाद रहता है बाद में। मेरा वो वाला सिस्टम चल रहा है, अब सब खा लो, पता नहीं अब कब मिलेगा। वहां जाके खुद बनाना पड़ता है ना। किचू अपनी कटोरी लेके बैठ चुका है। कटोरी या लेके कटोरी कटोरी बोल। यू वॉन्ट टू ईट राइस? कम। आ चुके हैं विंटू महाराज, क्योंकि हम खाना खा रहे। आए हाय विंटू, क्या चाहिए आपको? विंटू अभी विंटू ने हाथ रखा हुआ था कि आप क्या खा रहे हो, मुझे बता दो, दिखा दो, खिला दो। आपको तो उसने बोला यूट्यूब चलाओ। सब लोग देखने गए हैं कौन आया। ओ किचु, अरे 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 अरे, तो मैं बना रही हूँ पैकेजेस, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मेरा सेकेंड लास्ट डे है और मेरी फ्रेंड्स मिल रही हैं, तो उन सब के लिए कुछ छुट 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 सामान आया था, तो उसके पैकेजेस बना रही हूँ। किचू सो रहा है और मम्मी यहाँ है। भैया जा रहे हैं छोड़ने, और ये है रिचि। किचू को भैया भाभी ले जाएंगे अपने साथ। मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है, तो वही है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उसके साथ, तो उन्हें भैया बाबा ने कहा कि 2-3 घंटे ही है, तो लगा के आराम से फिर आ जाइए घर। तो बस अब मैं मेट्रो पे उतर रही हूँ, मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगी। मैं जा रही हूँ सीपी। बहुत दिनों बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे आई हूँ, और यहाँ से ढूंढ रही हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे है वो लोकेशन। ब्लॉक ए में मिल रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स से, तो
बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं यहाँ पे. तो बस मैं भाग रही हूँ गोइंग टूवर्ड्स द एग्जिट. और चार दोस्त मिल रहे हैं मेरे, देखते हैं कि कैसा रहता है आज का दिन. So this is my final destination. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. आ चुकी हैं मिली. हेलो. मिली ने ये ब्रुशेटा सजाया है. इतना सुंदर मेहंदी लगाई है. इसने कहा मैंने तेरा ब्लॉग देखा था करवा चौथ वाला, तूने लोन लेफ्ट आउट फील किया था वहाँ पे मेहंदी गंदी से लगा के. मैं इसके ऊपर भी ऐसे लगा. हम दोनों तो आ चुके हैं, वी आर वेटिंग फॉर अदर फ्रेंड्स टू ज्वाइन. और बहुत टाइम बाद मैं तो शादी के बाद अब इससे नहीं बाकी उससे अब मिलूंगी. खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकती अभी जो मैं फील कर रही हूँ. हम वी आर कैचिंग अप ऑन सो मेनी थिंग्स. Time to go back home. बहुत ही मजा आया और एक दूसरे के स्माइल्स पास हो रही है अभी भी हमारी. तो मैं हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सी सेक. पहले हम बोलते थे सी सेक बट अब मामा बनने के बाद सबसे पहला सी सेक जो याद आता है वो कुछ और ही है, सी सेक्शन. बट एनी वे यहाँ से मैं रोज़ ऑफिस के लिए जाती थी तो लाइन चेंज करती थी. तो अभी भी मैं यहीं पे हूँ और वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम. बहुत बहुत अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स से मिलके. मतलब जाते जाते आँखों में आंसू थे कि अब अलग होना है. एंड अगेन वी हैव टू रश बैक टू द लाइफ एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन टिल वी मीट. मतलब फिर से एक डेढ़ साल तो लगेगा अभी मिलने में. बट एनीवे बहुत बहुत अच्छा लगा. थोड़ा सा टाइम था और मामू मामी संभाल रहे थे कीचू को और मुझे मिली थोड़ी सी परमिशन कि मैं जाके आराम से चिल करूँ. तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर एंड आई वुड से सिस्टर. ऑब्वियसली मतलब नॉट लाइक सिस्टर इन लॉ बट शी इज़ लाइक माई सिस्टर. एक्चुअली सिस्टर इन लॉ भाभी जैसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन ही है. तो उन दोनों ने कहा कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और इन्जॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ. तो मैं वही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे. और आप बस कीचू से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे और बहुत ही क्यूट क्यूट बातें कर रहा था और मुझे इतनी हंसी आ रही थी सुन के कि यार ये जब आया था सिर्फ दो वर्ड आते थे इसको, हैप्पी यस अगेन, ये दो तीन वर्ड और अब पूरी पूरी बातें अपनी समझा रहा था. चलो एनी वे आई एम रशिंग बैक टू होम नाउ वेटिंग फॉर द मेट्रो टू कम. और फिर जाते हैं और देखते हैं वहाँ का हाल कैसा है. That is Kichu and Bhaiya waiting for me. So Kichu और भैया वेट कर रहे हैं और बस मैं जा रही हूँ नीचे. अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है. जब मासियों से मिलते हैं तो जितना सामान लेके जाते हैं उससे ज़्यादा लेके आते हैं कि सारा प्यार भेजा गया है अभी उतर जाए के लिए. फाइनली मामू आ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं घर. व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग, आउट रिलैक्स्ड एंड आउट तो हम थे इतनी देर से, अब वी आर गोइंग बैक नानी हाउस. यस ओह व्हाट्स अप एवरीवन. सुबह से जाके अब मैंने अराउंड 7:30-8 o'clock अपना कैमरा उठाया क्योंकि सुबह से मैं सेशन में बैक टू बैक. तो आज मेरा एक फिल्म का काम भी चल रहा है साथ में एडवर्टाइजिंग का, जो मैं एड्स का म्यूजिक करता हूँ वो. तो वो बस मैंने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि मेरा खाना आने वाला है. 10 मिनट्स में मैं खा के जल्दी से फिर वापस बैक टू द सेशन. तो आई थॉट जस्ट एक क्विक अपडेट दे देता हूँ आपको. एनीवे अभी मैंने मंगवा लिया है कुछ डोसा वोसा कुछ जो मेरे को लगा क्विकली आ जाए 15-20 मिनट में, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो मेरे साथ जूम कॉल पर होते हैं तो वो भी ब्रेक ले रहे हैं, मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ. कौन बोलता है जय श्री राम? जय श्री राम. सोनू मामू
क्या बोलते हैं सोनू मामू? ना ऐसे ले सोनू, गंदी बात किचू। चलो आते हैं। What's cooking in protest? Yeah. तो इसलिए एकदम पता गया। अब नेक्स्ट वाला दिन समर को आना होगा, वो टूट जाएगा। ये समर को दे दो। नहीं नहीं। मेरे को वैसे भी। भाभी मजाक ना हो जाए भैया तुमसे। नहीं मुझे तो ज़्यादा मूवी है। मेरे बारे में बात नहीं करते। नहीं नहीं। हम दूसरी वाली भाभी के बारे में बात करते हैं। एक संभाल नहीं जाती। मशरूम भी इनके जो नो आई लाइक इट प्लेन सिंपल जस्ट लॉट ऑफ लाल और हरी मिर्च। सर्दी में ब्रेड ऑमलेट खाने का जो मज़ा है वो भाई बहुत ही यूनिक उम्दा मज़ा है एकदम। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम रोड साइड पे जैसे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है ना जब आप सर्दियों के टाइम पे ठेले लगे होते हैं तो रोड साइड पे इतनी ज़्यादा खुशबू आती है कि आपको मन करता है कि रोक के चल खाई हुई। पर मैंने कभी खाए नहीं थे बट मुझे सबसे पहले बार भैया ने खिलाए थे ताई जी के घर के बाहर वहाँ पे खड़ा होता था तो अंडा ब्रेड वैसा वाला और उनके हाथ में पता नहीं क्या होता है हमारे सामने बनाते हैं वो और फिर भी इतना स्वाद बनता है कुछ भी अलग नहीं डालते हैं वो वही होता है जो आज भैया के हाथ में था। एग्जैक्टली तो भैया अब रेडी खोल से मनाली में स्पेशल अंडा